नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 2:23 तक रहेगी। इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज रात 10:38 तक रवि योग रहेगा, साथ ही आज रात 10:38 तक पुष्य नक्षत्र भी रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9:56 से अगली सुबह 6:01 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7:34 से अगली सुबह 6:01 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च को सुबह 7:10 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:40 से दोपहर 1:25 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:46 से रात 10:39 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त आज नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 मार्च की दोपहर 2:56 से शाम 7:53 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 10:13 से अगली सुबह 5:45 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 9:36 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:10 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 1:33 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:29 से दोपहर 1:59 तक। मुंबई दोपहर 12:46 से दोपहर 2:17 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:30 से दोपहर 2:01 तक। लखनऊ दोपहर 12:14 से दोपहर 1:45 तक। भोपाल दोपहर 12:28 से दोपहर 1:58 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:44 से दोपहर 1:15 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:47 से दोपहर 2:17 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:16 से दोपहर 1:47 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा।
आपके अंदर आध्यात्म के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। आप अपने ज्ञान और कार्य कौशल पर अधिक काम कर पाएंगे। आपके व्यापार में ग्रोथ होने की संभावना बढ़ेगी। आप किसी भी नई जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। किन्हीं कारणों से खर्च बढ़ेगा? जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एक दूसरे की भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें। परिवार में खुशी का माहौल बनाए रखें। व्यर्थ के विवाद से बचें। क्रोध पर काबू रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपको कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातक अच्छी सफलता पाएंगे। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी रहेगी। पैसे संबंधी मामलों में किसी अन्य पर विश्वास करने से बचें। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी। एक दूसरे से बातचीत करके समस्या का हल निकल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए समय अनुकूल है। किसी तरह के आकस्मिक लाभ के योग हैं। छात्रों को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपकी रचनात्मक समझ बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में आप सक्रिय नजर आएंगे। मांगलिक कार्यों में खर्च होने के योग हैं। आपको आपके व्यवसाय में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे आपको अच्छे धन लाभ की संभावना बढ़ेगी। इस दौरान कोई भी डील करने से पहले अच्छे से विचार कर लें। दोस्तों या परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आज आप अनावश्यक वाद विवाद से बचें। अपने गुस्से पर काबू रखें। सभी से खुलकर बात करें। पहले किया गया निवेश आज आपको अच्छा लाभ देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। आप फाइनेंस से जुड़े कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन का कारोबार करने वाले लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा। आप कार्य क्षेत्र और घर के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। आज आप अपने जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। आज आप समझदारी से बातों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। निजी व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आप फिट और उत्साहित महसूस करेंगे। कुछ बड़े ऑर्डर मिलने से आपका व्यापार बढ़ेगा। आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग हैं। सरकारी जॉब मिलने की संभावना है। आपको आपके सीनियर्स का साथ मिलेगा। आपके कार्यों की सराहना होगी। आपके कलीग्स कुछ समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। यदि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक से जांच परख कर लें। आज आप अपने व्यवहार से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। घर के बड़ों की संभावनाओं को समझने का प्रयास करें। लव मेट्स के रिश्ते अच्छे बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपको बेहतर अवसर मिलेंगे। आपको नौकरी में अच्छे अवसर के साथ बदलाव के योग हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए दिन अच्छा है। आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए ऑफर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। एक दूसरे से तालमेल बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आज आप अपने लिए समय निकालेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। पहले किए गए किसी निवेश पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आ रही चुनौतियों में कमी आएगी। पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा। आज आपको आपकी काबिलियत से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। नौकरी में बदलाव के योग हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ की संभावना है। जीवन साथी के साथ रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। आपसी तालमेल बना रहेगा। अच्छे खान पान पर ध्यान दें। डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। कार्यस्थल पर सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। विद्यार्थियों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8।
वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। इस दौरान आमदनी के साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये संतान के विवाह संबंधी भी हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आज आप ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर रहें। धन से जुड़े मामले में आज जीवनसाथी का साथ मिलेगा। आप कोई अचल संपत्ति खरीदने का सोच सकते हैं। रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए सही समय है। आज आप कोई नया हुनर सीख सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आपके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको खास उपलब्धि मिलेगी। आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। इस दौरान आपको आलस से बचना होगा। साझेदारी में काम कर रहे व्यापारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आज आपका उत्साह बढ़ेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों की सलाह लेंगे, इससे आपको फायदा होगा। सेहत से संबंधित परेशानियों को नज़रअंदाज न करें, डॉक्टर को दिखाएं। प्लॉट करने वाले बिजनेसमैन को आज किसी कस्टमर से अच्छा मुनाफा होगा। आज आप नई डिश बनाने में रुचि लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। आज घर में बेटी की तरक्की से परिवार का माहौल खुशी से भरा रहेगा। फार्मिंग का कारोबार कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। सामाजिक व राजनीतिक कामों में आपका मन लगेगा। इस राशि के लोगों को आज किसी प्रकार के कानूनी मामलों से बचने की जरूरत है। संतान पक्ष से आपको खुशखबरी मिलेगी। अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके दाम्पत्य रिश्ते में सुधार रहेगा। जीवन साथी के लिए कोई पसंदीदा उपहार खरीदेंगे। आज आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, जहां आप अच्छा समय बिताएंगे। आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज आपके व्यवहार से पारिवारिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। अनुभवी लोगों की सलाह से आप अपने व्यापार को आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे। आप अपने निजी प्रयासों से आमदनी बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, साथ ही नए अवसर भी मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज धन लाभ के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। आज ऑफिस में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आप संयम के साथ परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। आपको अचानक धन लाभ होने के योग हैं। आज आप अपने पारिवारिक जीवन में आनंद महसूस करेंगे। इस दौरान आप अपने को शांत रखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। नई तरक्की मिलने के चांसेस हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज गणेश जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ मंदिर जाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज कार्यक्षेत्र में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपना जरूरी काम पूरा कर दूसरों की मदद करेंगे। मूलांक 2, आज आपको किसी विदेशी कंपनी से नौकरी का ऑफर अच्छी सैलरी के साथ मिल सकता है। मूलांक 3, आज आप किसी अनुभवी व्यक्ति से अपने करियर के बारे में सलाह ले सकते हैं। मूलांक 4, आपको आज पहले किए गए निवेश से बम्पर लाभ के योग हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मूलांक 5, आज आप जीवनसाथी की मदद से कोई फूड बिजनेस खोलने की सोच सकते हैं। मूलांक 6, नौकरी कर रहे हैं लोगों को आज ऑफिस में किसी काम में थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। मूलांक 7, आपको आज दूसरों की परेशानी समझने का मौका मिलेगा और उनके लिए आज आप कोई विशेष कदम उठाएंगे। मूलांक 8, लव मेट के लिए आज का दिन बेहतरीन है, कहीं घूमने जा सकते हैं। मूलांक 9,
आज आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होंगी, जिससे राहत महसूस करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में रखी कुछ खास चीजों की दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सिलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस, ये सब कहाँ रखना चाहिए, तो आज इसकी चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिजली या आग से संबंधित चीजों को घर की दक्षिण दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। बिजली के लिए साउथ वेस्ट सबसे अच्छा है, अतः घर की जरूरी चीजों में से प्रेस, स्टोव, हीटर, इन सब का बिजली से संबंध रखने के लिए संबंधित होने के कारण घर की दक्षिण पश्चिम दिशा का चुनाव करेंगे। और फायर के लिए उसके घर के दक्षिणी हिस्से में, लेकिन रोटी बनाते समय मुंह पूरब में होना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में इस तरह के सामान की अधिकता हो गई तो आप कुछ हिस्सा दक्षिण पश्चिम का भी यूज कर लीजिए। वहीं अगर घर में भारी सामान को रखने की सही दिशा के बारे में बात करें तो इसके लिए दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे बेहतर मानी जाती है। घर के बाहर बड़े पेड़ लगाने के लिए या घर के अंदर बड़ी चीज़ों को रखने के लिए दक्षिण दिशा का चुनाव करना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ों के लिए दक्षिण पश्चिम, और टीवी रखने के लिए, सिलाई मशीन के लिए, इन चीज़ों के लिए दक्षिणी दिशा अच्छी है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक बात बताऊँ आपको, जैसे अनाज है तो अनाज के बड़े बड़े डब्बे लोग रख लेते हैं, उनमें बहुत ढेर सा अनाज भी भर देते हैं, अनाज की टंकी। तो अनाज की टंकी रखने के लिए घर का नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम हिस्सा सबसे अच्छा होता है। उस हिस्से को दही मथने के लिए रिकमेंड किया गया है, उस हिस्से को रति के लिए कहा गया है। हालांकि आपका स्लीपिंग रूम तो मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पे समय समय पे आपको ध्यान देते रहना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 2:23 तक रहेगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। दरअसल आंवले का एक नाम आमल की भी है, और आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा के चलते ही इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। बता दूं कि आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी, और ऊपरी हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि, देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण, और इसके फलों में सभी प्रजापतियों का निवास माना जाता है। कहते हैं आंवले के वृक्ष के स्मरण मात्र से ही गौदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके स्पर्श से किसी भी कार्य का दोगुना फल मिलता है, जबकि इसका फल खाने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि आंवले का वृक्ष और उससे जुड़ी हर चीज़ व्यक्ति को अप्रतिम लाभ पहुंचाने वाली है। इसके साथ ही आज काशी में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। आज के दिन से काशी में होली का पर्वकाल आरंभ हो जाता है। आज के दिन श्री काशी विश्वनाथ श्रृंगार दिवस मनाया जाता है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में आज के दिन बाबा विश्वनाथ और पूरे शिव मंदिर यानी माता पार्वती, श्री गणपति, भगवान और कार्तिकेय जी का विशेष रूप से साज श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा भगवान को हल्दी और तेल चढ़ाने की रस्म निभाई जाती है, और भगवान के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। साथ ही शाम के समय भगवान की रजत मूर्ति यानी चांदी की मूर्ति को पालकी में बिठाकर बड़े ही भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये थी चर्चा आज पड़ने वाली आमल की एकादशी के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 10:38 तक रवि योग रहेगा। बता दूं कि रवि योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन सकते हैं। रवि योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता, अभी तो ये शुभ फल देता है।
रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। लिहाजा रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। साथ ही आज रात 10:38 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। इस नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों को पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़, पीपल की पत्तियों और टहनियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज दोपहर 1:23 से शुरू होकर देर रात 2:23 तक पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। बता दूं कि पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अशुभ भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दांपत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए अशुभ भद्रा यानी पृथ्वीलोक की भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी गई है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रवियोग, पुष्य नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा के बारे में। इसके अलावा आज आमलकी एकादशी के दिन कौन से खास उपाय करके आप अपने जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और जिंदगी के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप बिजनेस संबंधी किसी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए और पूरे 1 महीने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस संबंधी काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको अपने विवाह के लिए या अपनी संतान के विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो आज के दिन स्नान आदि के बाद आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां आसपास की भूमि को अच्छे से साफ करके भूमि पर गोबर का लेप करें और पेड़ की जड़ से एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें और सभी देवगणों, तीर्थों और सागर के जल को कलश में आमंत्रित करें। इसके बाद कलश के ऊपर 5 आंवले के पत्ते रखें और संभव हो तो कलश पर चंदन का लेप करें। फिर कलश को लाल या पीले रंग के साथ के साफ कोरे कपड़े से ढककर उस पर श्री विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखें। फिर विधि पूर्वक धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा करें। लेकिन अगर आंवले के वृक्ष के पास जाकर ये सारी पूजा विधि करना आपके लिए संभव ही ना हो तो घर पर ही आंवले के वृक्ष की एक टहनी लाकर उसे उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और कल द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा सहित कलश और भगवान की मूर्ति दान कर दें। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 11 छोटे बच्चों को आंवले की कैंडी या आंवले का मुरब्बा खाने के लिए देना चाहिए। साथ ही आंवला कैंडी या मुरब्बे का एक पैकेट या डिब्बा मंदिर में भी दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप जिंदगी के नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 21 ताजा पीले फूल लेकर उनकी माला बनानी चाहिए और श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जिंदगी के नए आयाम स्थापित करने में सफल होंगे। अगर आप मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए
और उन्हें आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपना मनचाहा प्यार जरूर मिलेगा। अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान को एकाक्षी नारियल अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान को चढ़ाए एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर संभाल कर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अगर ऑफिस में आपके विपरीत कोई स्थिति बन गई है तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और आंवले की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में स्थिति फिर से आपके पक्ष में हो जाएगी। अगर आप अपने काम का दोगुना लाभ पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ को या उसके फल को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम का दोगुना लाभ मिलेगा। अगर आप अपने पारिवारिक रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु भगवान के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भगवान के से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ के तले पर 7 बार सूत का धागा लपेटना चाहिए। साथ ही पेड़ के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन आपको दूध में केसर और चीनी डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेकर एक विद्या यंत्र धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता जरूर मिलेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज आमल की एकादशी के बारे में। आज आमल की एकादशी के दिन कौन से खास उपाय करके आप अपने जीवन में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं और लाभ की स्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। साथ ही श्री काशी विश्वनाथ श्रृंगार दिवस के बारे में भी हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का पूरा पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, संतान के करियर में तरक्की से घर का माहौल खुशहाल रहेगा, आप उसे कोई उपहार देंगे। बी, कार्य क्षेत्र में आज आप हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे जिससे लोगों के में आपके प्रति पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सी, आज आप कहीं घूमने जाएंगे, जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी। डी, वीकेंड पर आप कहीं पिकनिक पर जाएंगे, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। ई, आज आपको जरूरतमंदों की सहायता करने का मौका मिलेगा, आप मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे। एफ, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा है, कहीं से जॉब का ऑफर मिलेगा। जी, आज मार्केट जा सकते हैं, आप कोई मनपसंद इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदेंगे। एच, आज आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे, आपको भाई बहनों का साथ मिलेगा। आई, लंबे समय से चल रहा कोर्ट कचहरी का कोई फैसला आपके हक में हो सकता है। जे, उधार के लेन देन से बचें क्योंकि दूसरे के हाथ गया पैसा वापस आना मुश्किल हो जाता है। के, ज्यादा भाग दौड़ होने से आज थकान महसूस कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। एल, आज आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। एम, परिवार में आपके अच्छे व्यवहार के कारण आज मुश्किल समय में सभी आपका साथ देंगे। एन,
शिल्प कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी कला प्रदर्शन का नया अवसर आज मिलेगा। वो आज आपकी किस्मत आपके साथ है, जिस काम की शुरुआत करेंगे वो काम पूरा हो जाएगा। पी सेल्स तथा मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज तरक्की के सुंदर मौके मिल सकते हैं। क्यू आज कॉलेज के किसी कार्यक्रम में आपको अचानक शामिल किया जा सकता है। आर कार्य क्षेत्र में सहयोगी आपकी पूरी मदद करेंगे, किसी मुद्दे पर आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे। एस किसी प्रॉपर्टी से मुनाफा होने के चांसेस हैं, कोई नया कस्टमर भी साथ जुड़ सकता है। टी आज आपके लिए अच्छा दिन है, मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। यू बोर्ड परीक्षा के बच्चों के लिए आज का दिन फेवरेबल है, परीक्षा में बेहतर अंक मिलेंगे। वी आपका इंटरेस्ट रीडिंग में ज़्यादा है, आज आप कोई मनपसंद नॉवेल पूरा पढ़कर ख़त्म करेंगे। डब्ल्यू आज आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना सकते हैं। एक्स आज आप मित्रों के साथ मिलकर कहीं बाहर स्टेडियम में मैच खेलने जा सकते हैं। वाई आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, कहीं से आपको जॉब ऑफर होगी। जेड आज बहुत दिनों बाद पूरे दिन घर में रहकर माता पिता के साथ समय बिताएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहाँ मोती डूंगरी इलाके में विराजमान है मोती डूंगरी गणेश जी। मोती डूंगरी गणेश मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हर चतुर्थी पर यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। भगवान गणेश का ये मंदिर जयपुर वासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। बताया जाता है कि यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा जयपुर नरेश माधव सिंह प्रथम की पटरानी के मायके मावली से 1761 में लाई गई थी। मावली में ये प्रतिमा गुजरात से लाई गई थी, उस समय ये 500 वर्ष पुरानी थी। जयपुर के नगर सेठ पल्लीवाल ये मूर्ति लेकर आए थे और उन्हीं की देखरेख में मोती डूंगरी की तलहटी में गणेश जी का मंदिर बनवाया गया था। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन गणेश मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी चौड़े कान वाले लोगों के स्वभाव के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे बड़े कान वाले लोगों के स्वभाव, उनके व्यवहार के बारे में। कुछ लोगों के कान सामान्य से कहीं अधिक बड़े होते हैं, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, ये अपने हर काम को बड़े ही सोच विचार के साथ और परफेक्शन से करते हैं। ये लोग टाइम के भी बड़े पाबंद होते हैं, इन्हें न तो अपना टाइम वेस्ट करना पसंद है और न ही दूसरों का। समय की कद्र करना इन्हें अच्छे से आता है, इसीलिए दूसरों के द्वारा अव्यवस्थित ढंग से काम करने के चलते कई बार इनकी बहस भी हो जाती है। हालांकि ये लोग पूरी बात सुनते हैं तभी कोई फैसला लेते हैं, इसलिए बात जल्दी ही संभल भी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में कल हम बात करेंगे छोटे कान वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 मार्च फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिमबी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज देर रात 2:23 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल का पूरा दिन और पूरी रात पार करके अगली भोर 4:45 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पुतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर, नॉर्थ। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी कन्या को रामचरितमानस भेंट करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9997100226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।